चलो जाओ। और हाँ बासु, शमशेर साहब को कुछ नहीं होना चाहिए। बेफिक्र काम होना चाहिए। समझ आ रही मेरी बात? इश्क मुझे ड्रामे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। आने वाले एक साथ में हम लोग देखने जा रहे हैं कि शामिर के लिए तो मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। पहले शिब्रा को हासिल करना उसके लिए बहुत बड़ा टास्क था। अब शिब्रा से शादी होने के बाद सियासत में कदम रखा तो वहाँ भी उसके लिए हर कदम पर मुश्किलात हैं। अब हारून और माहरीन भी उसके दुश्मन बन चुके हैं। अब दाऊद अली खान अपने बेटे की हुकूमत देख नहीं सकता क्योंकि पहले अपनी बीवी को मरवा दिया। अब चाहता है कि शिब्रा को रास्ते से हटा दे ताकि महरून उस घर की बहू बन जाए और वो अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब हो जाए। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है और कौन कौन ड्रामे को देखकर उलझ रहा है, कमेंट करके अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मुझे बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे चैनल पर चलने वाली हर नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको बआसानी और वक्त पर मिलता रहे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।